अर्जुन को गांडीव धनुष कहाँ से प्राप्त हुआ था? जी हाँ मित्रों, अर्जुन को गांडीव धनुष किसने दिया था, गांडीव धनुष कैसे बनाया गया था, इसके बारे में हम आज आपको पूरी कथा बताएंगे। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। चलिए अब आपके लिए कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष गांडीव के विषय में तो आप जानते ही होंगे। गांडीव अर्जुन का बहुत प्रिय था। यह धनुष जिसके पास भी रहता उसे भी कोई हरा नहीं सकता था। इस धनुष को कोई भी शस्त्र या अस्त्र से नष्ट नहीं किया जा सकता था। गांडीव के साथ अक्षय तर्कस उसे और भी शक्तिशाली बनाता था। अक्षय तर्कस से कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे। पहले यह धनुष वरुण देव के पास था, लेकिन यह अर्जुन के पास क्यों और कैसे आया? एक समय की बात है, श्वेत की नाम के एक राजा थे और राजा ने ऋषि दुर्वासा से एक बड़े यज्ञ के लिए आयोजन करवाया। यह यज्ञ अनेक वर्षों तक चला, जिस कारण अग्नि देव को घी की बहुत अधिक मात्रा में आहुति दी गई। इतना अधिक घी को पचाने के कारण अग्नि देव की पाचन शक्ति क्षीण हो गई, अग्नि का रंग भी फीका हो गया। अपनी इस समस्या को लेकर अग्निदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी पर स्थित खांडव वन को जलाने का उपाय सुझाया जाए। तब अग्निदेव ने पृथ्वी पर आकर वन को जलाने का प्रयास किया, परंतु वन में वे असफल रहे। जैसे ही अग्निदेव ने वन को जलाया, इंद्र ने वर्षा करके अग्नि को बुझा दिया, क्योंकि खांडव वन में इंद्र के मित्र नागराज तक्षक वास करते थे। अग्निदेव के पुनः प्रयास करने पर इंद्र ने फिर अग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार अग्निदेव के अनेकों प्रयास किए जाने के बावजूद भी इंद्र उनको ऐसे बुझाते रहे। अंत में अग्निदेव ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी विपदा बताई। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव को भगवान कृष्ण और अर्जुन से सहायता लेने को कहा। अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण के पास एक ब्राह्मण के रूप में पहुँचे और अपनी सहायता के लिए वचन ले लिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना नदी में विहार कर रहे थे। वचन लेने के बाद अग्निदेव अपने असली रूप में आ गए और खांडव वन को जलाने के लिए सहायता मांगी। तब अर्जुन ने कहा कि अभी हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हम इंद्रदेव को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। तब अग्निदेव ने वरुण देव को याद किया। वरुण देव प्रकट हुए और वरुण देव को राजा सोम से गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस प्राप्त हुआ था। अग्निदेव ने ये दोनों ही शस्त्र अर्जुन को देने के लिए कहा। वरुण देव ने ऐसा ही किया और इसके बाद अर्जुन को एक दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ, जिसमें मन की गति से चलने वाले घोड़े थे। अर्जुन के अतिरिक्त श्री कृष्ण को एक चक्र और गदा प्राप्त हुई। तब एक युद्ध के परिणाम स्वरूप इंद्र को रोका गया और अग्निदेव ने खांडव वन को जला दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन को महाशक्तिशाली धनुष प्राप्त हुआ था। मित्रों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और फिर लेते हैं दोस्तों विदा, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।